फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के चैनल पर। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स क्लास की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं और फिर से याद दिला दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अंकित गुप्ता जी के। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज आप सभी के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा आज ही इस चैनल पर दोपहर 12 बजे, याद रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि ज्योग्राफी का एक मॉक टेस्ट आप सभी के लिए मैंने अरेंज किया है, तो उन 25 क्वेश्चंस का जो मॉक टेस्ट है वो देना ना भूलें। आज दोपहर 12 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट में, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर ज्योग्राफी क्लासेस लेकर आइए, तो ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो मॉक टेस्ट है आज दोपहर 12 बजे होगा, नोट कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का नाम है जीके वेदर्स, लाइक कीजिए इस पेज को बहुत सारे अपडेट्स के लिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अंकित गुप्ता जी के टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिलेगी इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर। बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे आज की मोटिवेशनल कोट की, और विवेक जैन जी का मोटिवेशनल कोट आज चुना गया है क्योंकि सबसे ज्यादा लाइक इसी मोटिवेशनल कोट को मिले थे, और ये कहते हैं कि हार के डर जाने से बेहतर है कि जीत की कोशिशों में मर जाना। यानी कि हार होगी इस बारे से डर जाने से अच्छा ही है कि आप कोशिश करते रहें जीतने के लिए, और अगर वही करते हैं तो ये सबसे बेहतर होगा। जबकि अगर हार के डर से बैठने से अच्छा है कि आप जीत की कोशिशों के लिए तैयार रहें। इस सेशन में क्या क्या रहने वाला है, मोटिवेशन कोट ऑफ द डे रहने वाला है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा प्रीवियस क्लास का हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर मार्च मंथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन होगा, इसके बाद लेटेस्ट करंट अफेयर्स एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, उसी के साथ साथ स्टैटिक को इसको भी डिस्कस किया जाएगा। प्रश्नों के बीच में ही मलेशिया कंट्री के बारे में जो कंट्री ऑफ द डे फैक्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू चैलेंज को भी हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्लास के रिवीजन से, और जैसे कि मैं आप सभी को कहता हूं कि मैंने कुछ आज बदलाव ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, कल मैंने बदलाव ज्यादा किए थे, आज कुछ खास बदलाव नहीं किए हैं, तो चलिए फिर भी आपको रिवीजन के लिए यहां पर बिल्कुल चुनौती तो है ही। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड बैंक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल के सेशन में मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो आज उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि चीजें हमारे दिमाग से स्किप ना हो और एग्जाम में भी हमें याद रहे। वर्ल्ड बैंक के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसको दोबारा से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम IBRD कहते हैं, और उसके अलावा IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा मिलकर बनाई गई एक संस्था है जिसे हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं। स्थापना 1944 में हुई थी IBRD के तौर पर। वर्तमान मेंबर कंट्रीज जो हैं वो 189 कंट्रीज यहां पर बनते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर बनता है Washington DC बनता है, जो कि अमेरिका में मौजूद है, और Washington DC में ही IMF का हेडक्वार्टर भी आपका मौजूद है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। Washington DC अमेरिका की राजधानी बनती है। किस नदी के किनारे मौजूद है Washington DC, एक बार टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वर्तमान जो प्रेसिडेंट बनते हैं वर्ल्ड बैंक के, वो बनते हैं डेविड मालपास। यही प्रश्न आपके हाल ही में SSC CGL के एग्जाम में भी पूछा गया था। वर्ल्ड बैंक में टोटल 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, जिनमें से पहला है IBRD, दूसरा है IDA, तीसरा है IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, चौथा है MIGA यानी कि मल्टीलेटरल गारंटी कॉरपोरेशन, और पांचवा है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स। इन सभी के शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म को नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इनके शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। अगला हमें रिवीजन करना है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के बारे में। कल मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। टोटल कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के गेम में, तो याद रखिएगा टोटल 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, 4 आपके इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य में खेला जाता है, वो भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई और जून के महीने में खेला जाता है, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट यानी कि बजरी वाला जो मैदान होता है, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है, किस खिलाड़ी को कहा जाता है, तो राफेल नडाल यहां पर आंसर बनेगा। विंबलडन ट्रॉफी की बात करते हैं या विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो यह जून से जुलाई के महीने के बीच में होता है। हाल ही में विंबलडन ट्रॉफी को ही यहां पर क्या कर दिया गया है, इस टूर्नामेंट को यहां पर स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस को देखते हुए, और यह ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास के मैदान पर खेला जाता है। US ओपन सेप्टेंबर और अगस्त के महीने में होता है, जो कि खुद हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब आपसे प्रश्न है,
ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है इन चार में से और न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है इन चारों में से, जल्दी से टाइप करके इनके बारे में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न आपका जो था वो आपका गंगा नदी के बारे में था और वहां पर एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि भागलपुर शहर किस नदी के किनारे आपका मौजूद है, तो करेक्ट आंसर वहां पर बनता है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से और प्रमुख शहर बनते हैं एक बार उनका क्विक रिविजन करेंगे। ऋषिकेश बनता है, हरिद्वार से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा नदी के बारे में याद रखिएगा कि गंगा नदी का जो ऊपरी सिरा है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का जो ऊपरी सिरा है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और जब अलकनंदा नाम की नदी इसमें मर्ज होती है, इसमें मिलती है कौन से स्थान पर, देवप्रयाग नाम के स्थान पर, तब इसे गंगा कहा जाता है। बिजनौर शहर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, बिठूर है, कानपुर है, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है, लेदर के लिए शहर काफी प्रसिद्ध है, जाजमऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, गढ़मुक्तेश्वर है, इसके अलावा पटना सिटी है, भागलपुर तो है ही, मिर्जापुर है, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, प्लासी और कोलकाता, ये भी वेस्ट बंगाल में, और ढाका ये आपका बांग्लादेश की राजधानी बनती है। ये सभी के सभी शहर गंगा नदी के किनारे आपके मौजूद हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा जिसका हमें करना है रिवीजन, जो कि कल के सेशन से लिया गया है। नागरिकों के लिए वॉटसन असिस्टेंट एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक प्लेटफॉर्म है जिसे COVID-19 संबंधित प्रश्नों पर तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर यहां पर बनता है IBM। IBM का फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक अमेरिकन कंपनी है, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। कल मैंने दोपहर 12 बजे कोरोना वायरस को लेकर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था आप सभी के लिए और उस पर्टिकुलर वीडियो में अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स के MCQ हमने कोरोना वायरस को लेकर डिस्कस किए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट MCQ को मैंने एक ही वीडियो में डालने का प्रयास किया है। अगर किसी विद्यार्थी ने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, एक ही वीडियो में करीब 25 से 30 मिनट का वो वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट 30 से 40 इंपॉर्टेंट MCQ उसमें शामिल किए गए हैं, तो आप उनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजंस की बात करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है वर्तमान में और ये 90 दिनों के लिए पूरी दुनिया में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, इसके अलावा 11 दूसरी भाषाओं में भी अवेलेबल है। AI पोर्टल का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन नामक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर अपनी कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर AI प्रोग्राम से और वो आपको हर संभव मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य स्टार्टअप के लिए विज्ञान विभाग के द्वारा कौन सा कार्यक्रम यहां पर शुरू किया गया है ताकि उन्हें COVID-19 की चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिल सके। ऐसे स्वास्थ्य स्टार्टअप जो कि काम कर रहे हैं हमारे देश में और COVID-19 से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए विज्ञान विभाग ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसका नाम क्या बनता है, उसका नाम बनता है कवच। कवच नाम याद रखिएगा, लेकिन अगर पूछा जाता है कोरोना कवच तो कोरोना कवच एक एप्लीकेशन है, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि दिशा एक्ट और दिशा बिल किस राज्य में पास किया गया था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, यह भी मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो अनुमानित वित्त वर्ष 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP वृद्धि दर जो प्रेडिक्ट की गई है वो लगभग कितनी है, तो वो आपकी 4% यहां पर बनती है, 4% यहां पर GDP प्रेडिक्ट की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसके अलावा कल मैंने आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करा दी थी कि किन एजेंसीज के द्वारा कितनी GDP प्रेडिक्ट की गई है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा, S&P का फुल फॉर्म बनता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 3.5%, नोमुरा नामक एजेंसी के द्वारा यहां पर भारत की GDP रेटिंग जो है वो 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए माइनस में प्रेडिक्ट की गई है, मतलब इस साल जितनी GDP हम लोग अचीव कर रहे हैं बोला गया है कि अगले साल उसका 0.5% माइनस में हमारी इकॉनमी जाएगी कोरोना वायरस और मंदी को देखते हुए। इंडिया रेटिंग्स नाम की संस्था ने 3.6% GDP प्रेडिक्ट की है 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिच सॉल्यूशन ये एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है 4.6% और फिच रेटिंग्स ये एक रेटिंग एजेंसी है जिसने 2% हमारी GDP प्रेडिक्ट की है, जबकि SBI के इको रैप रिपोर्ट के अनुसार 2.6% हमारी देश की GDP रह सकती है। यहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी देख लेते हैं, एशियाई विकास बैंक ये इसका पूरा नाम बनता है, स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, तो ये वर्ष आपको अच्छे से याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल मनीला में बनता है, वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 68 है और मात्सुगु अस्कावा जी इसके वर्तमान क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा,
चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में सबसे अधिक इंजनों का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपको ये बताना है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर, किस राज्य में मौजूद है। तो आपको मैंने कल एक लोकेशन बताई थी, आसनसोल। आसनसोल किस राज्य में बनता है? ये वेस्ट बंगाल स्टेट में बनता है। वेस्ट बंगाल स्टेट की वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन बनती है? बनती है ममता बैनर्जी। यहाँ के एक गवर्नर कौन बनते हैं? गवर्नर बनते हैं यहाँ पर जगदीश धनखड़ यहाँ के गवर्नर आपके बनते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, ये सभी आपके वेस्ट बंगाल में ही मौजूद हैं। वेस्ट बंगाल का जो स्टेट एनिमल है वो क्या बनता है, एक बार टाइप करके मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल क्या बनता है, एक बार टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा विलेज आपका मौजूद है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी विलेज। तो नक्सलवाड़ी विलेज से ही ऐसा माना जाता है कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले प्रश्न से पहले डिटेलिंग देख लेते हैं। आसनसोल वेस्ट बंगाल में आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का जो फैक्ट्री है वो आपकी मौजूद है। और 2019 और 2020 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 431 इंजनों का निर्माण किया है, जो कि लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए है उसमें दर्ज हो गया है। तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कल मैंने आपसे ये पूछा था कि दुनिया की सबसे लंबी जो तटीय क्षेत्र की रेखा है वो किस कंट्री में मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनता था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स बता दीजिएगा। और कनाडा की जो राजधानी बनती है वो ओटावा बनती है, जबकि करेंसी यहां पर डॉलर बनती है। अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया की जो करेंसी बनती है वो रूबल बनती है, जबकि इसकी जो राजधानी बनती है वो मॉस्को बनती है। अमेरिका सबको पता है, वॉशिंगटन डीसी एंड डॉलर। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो जकार्ता यहां की राजधानी बनेगी और इंडोनेशिया की करेंसी बनेगी रुपया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और करेंसी क्या बनेगी, जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहां तो हम लोगों ने कल के प्रीवियस क्लास का रिवीजन किया है, अब हम लोग मार्च मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग फ्रेश एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, उत्तर प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे बड़ी बहुस्तरीय पार्किंग की आधारशिला रखी है। इंग्लिश में क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट मल्टी लेवल पार्किंग इन विच सिटी। कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो यहां पर बनता है वो बनता है नोएडा सिटी। नोएडा सिटी की बात कर लेते हैं, तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि नोएडा शहर में, ग्रेटर नोएडा सिटी में आपकी भारत की इकलौता जो आपका F1 फॉर्मूला जो सर्किट है वो आपका गौतम बुद्ध सर्किट वो यहीं पर का मौजूद है। कानपुर याद रखिएगा लेदर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है, महानगर है। और कानपुर में ही आपका ग्रीन पार्क भी मौजूद है जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है। गाजियाबाद के पास ही भारत का सबसे बड़ा जो एयरफोर्स स्टेशन है, जिसे हम लोग कहते हैं एक नदी के नाम पर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कि गोमती नदी किनारे आपका बनता है। गाजियाबाद के पास जो भारत का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है उसका नाम क्या बनता है, जो कि एक नदी के नाम पर है, यह आपको यहाँ पर याद रखना है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एच से उसका नाम बनता है। अगर अभी दिमाग में आता है तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। आप सभी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा टाइप करके कि हाँ वो कौन सा यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पर प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना अपना भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट आपका यहां पर करती है। एच से बनता है, मेरे दिमाग से भी स्किप हो रहा है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नहीं उससे पहले हमारे पास कुछ जरूरी जानकारियां हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन यहां पर रखा है 23 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, जिनकी जो लागत बनती है 2821 करोड़ बनती है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा 3 मार्च 2020 को। ये भारत की यानी कि इंडियाज बिगेस्ट मल्टी लेवल पार्किंग ये बनने वाली है, जहां पर स्पेस होगा 7000 व्हीकल्स के लिए, ठीक है, 7000 व्हीकल्स के लिए यहाँ पर स्पेस होगा, ये याद रखिएगा। और जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए यहाँ पर बनेगी। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, उनके नेम क्या बनते हैं, उनके नेम बनते हैं, रिवीजन कीजिएगा मेरे साथ क्योंकि मैं पहले भी ये रिवाइज करा चुका हूँ। तो बिल्कुल इसका आपको क्या करना है,
रिवीजन मेरे साथ यहाँ पर करना है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का नाम क्या बनता है? एक तो है आपके केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे आपके बनते हैं दिनेश शर्मा जी, याद रखिएगा। गवर्नर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो आनंदीबेन पटेल है जो कि एक फीमेल गवर्नर है। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ यूपी एंड इंडिया, तो नाम एक ही होगा। उत्तर भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो नाम था सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और वो उत्तर प्रदेश की भी पहली राज्यपाल उस जमाने में बनी थी, याद रखिएगा। इनकी बेटी जो थी वो भारत की दूसरी गवर्नर बनी थी, फीमेल दूसरी गवर्नर बनी थी वेस्ट बंगाल स्टेट से। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश, जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं जो कि राज्यों के ऊपर पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? व्हीट यानी कि गेहूं का। मिल्क यानी कि दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन पोजिशन पर है, और सुगर केन यानी कि गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश आपका नंबर वन पोजिशन पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका मौजूद है, ये लोकेशन भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश घर है 3 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। हम सभी जानते हैं कि भारत में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनमें से 3 हेरिटेज साइट्स अकेले उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फतेहपुर सीकरी, जिसे 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ताजमहल को 1983 में, और आगरा फोर्ट को भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनता है वो बनता है दुधवा नेशनल पार्क, नाम याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद है। इसके अलावा यहां पर नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्षी अभ्यारण्य है, यह भी मौजूद है। इसके अलावा ओखला बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद है, और इकाना क्रिकेट स्टेडियम जिसका जो आधिकारिक नाम बनता है वो बनता है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो कि लखनऊ शहर में आपका मौजूद है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 38 जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं भारत में, 38 विश्व विरासत स्थल हैं, इनकी मैंने कंप्लीट लिस्ट कल रात को ही 12 बजे के आसपास जब मैं करंट अफेयर्स तैयार कर रहा था, आप देख सकते हैं मैंने मैसेज डाला था 12 बजे के आसपास 11:57 पर, और जितनी भी आपकी 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनमें से 30 आपकी कल्चरल साइट्स हैं, 7 आपकी नेचुरल साइट्स हैं और 1 आपकी मिक्स्ड साइट है, उनकी पूरी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अंकित गुप्ता जी के, उस पर मैंने डाल दिया है, जिस पर 612 आपके मेंबर है, यही आपका ऑफिशियल ग्रुप बनता है। तो आप वहां पर जाके लिस्ट निकाल सकते हैं और अपने नोट्स वहां पर बना सकते हैं। सही रहा या सारी बातें समझ में आ रही हैं? नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारी बातें क्लियर हैं तो एक बार इसे लेकर बता दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर यहां तक आपको सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल इसे लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकम फेस्ट का आयोजन किस शहर में दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के सेल्फ कौशल और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? एकम फेस्ट का आयोजन किया गया था जो कि आपके क्राफ्टमैनशिप है उसको प्रमोट किया जा सके और दिव्यांग जो आर्टिशंस हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, तो यहां पर इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा। और एकम फेस्ट का आयोजन मार्च के महीने में जो किया गया था 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में, ये भारत की नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहां पर किया गया था। केवल इस फेस्ट का नाम याद रखिएगा और याद रखिएगा कि इसे भारत के नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया था। एकम फेस्ट का आयोजन नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा किया गया था। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है, एक बार जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, किस देश को मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मार्च महीने के लिए चाइना को यूएन के सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, करेंसी बनती है रेनमिनबी। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर चाइना कंट्री पूरी दुनिया में इस समय उसका नाम लिया जा रहा है या वायरल है आप ये कह सकते हैं, क्योंकि चाइना के वुहान शहर से ही सबसे पहला जो कोरोना वायरस का केस है वो देखने को
आपका मिला था। कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू मैंने एक ही वीडियो में डाल दिए हैं, कल दोपहर 12 बजे अपलोड हुआ था मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ITPO द्वारा नई दिल्ली में 35वें आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले का आयोजन किया गया है, ITPO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 35th आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली बाय ITPO, इसके चेयरमैन कौन है? तो नाम याद रखने का प्रयास कीजिएगा, इसके जो वर्तमान चेयरमैन बनते हैं वो बनते हैं LC गोयल। कौन बनते हैं? LC गोयल इसके वर्तमान चेयरमैन आपके बनते हैं। अगला प्रश्न, उससे पहले ITPO का फुल फॉर्म बनता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसने 35वां आहार नाम का इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी जो मेला है वो नई दिल्ली में आयोजित किया था, 5 दिनों तक आपका ये मेला चला था। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे, राजीव कुमार, अमिताभ कांत, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है अजय भूषण पांडे। राजीव कुमार साहब की बात करें तो ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, अमिताभ कांत साहब की बात करते हैं तो ये नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया उसके CEO बनते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर बनते हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब की बात करते हैं तो ये हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, यानी कि आर्थिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न, मार्च के महीने से उठाया गया प्रश्न है, नोवेल कोरोना वायरस प्रकोप के संबंध में देश में दवाओं की सुरक्षा के मुद्दे को देखने के लिए किस समिति को अपॉइंट किया गया है और इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख आपके बनते हैं ईश्वरा रेड्डी। नाम याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, मार्च के महीने से लिया गया जब कोरोना वायरस एक आउटब्रेक था और शुरुआत में इसने देश के कुछ मामले इसमें देखने को मिले, तो इस मुद्दे को देखने के लिए कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के हेड थे ईश्वरा रेड्डी। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पर दो है, एक चंडीगढ़ है दूसरी पटियाला वाली है। चंडीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर यह अवार्ड जीता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करते हैं तो इनका आयोजन हुआ था उड़ीसा भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 1 मार्च 2020 को। ओके, और यहाँ पर ये बोला गया कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के प्रीमिसेस में इसे आयोजित यहाँ पर किया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ वाली है उसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेडल्स जीते हैं, इन्होंने 46 टोटल मेडल जीते हैं जिसमें 17 गोल्ड, 19 सिल्वर और 10 आपके ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों से स्वच्छता रेटिंग के बिना भोजन की ऑनलाइन आपूर्ति के निषेध का आदेश दिया है? विच स्टेट रिसेंटली ऑर्डर द प्रोहिबिशन ऑफ द ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड विदाउट हाइजीन रेटिंग फ्रॉम फूड बिजनेसेस ऑपरेटर्स। हम सभी जानते हैं कि स्विगी है, इसके अलावा जोमेटो है, हम इनसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो जब तक कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हाइजीन रेटिंग के साथ अपना फूड प्रोवाइड नहीं करता, अगर नहीं करेगा तो उस पर क्या करेंगे, ऑनलाइन आपूर्ति पर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, उस पर प्रोहिबिशन लगा दिया जाएगा। सभी जो आपके फूड ऑपरेटर्स हैं उन्हें उस पर हाइजीन रेटिंग बतानी होगी। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीस। तो अब राज्य का नाम क्या बनता है, राज्य का नाम यहाँ पर बनता है पंजाब। पंजाब के ही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि स्टेट हैज प्रोहिबिटेड ऑफ द ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड विदाउट हाइजीन रेटिंग फ्रॉम द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और इसको 30 अप्रैल से लागू किया जाएगा। आगे बात करते हैं, मुइद्दीन यासिन ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मुइद्दीन यासिन रिसेंटली sworn as the new prime minister of which country? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है मलेशिया। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद मुइद्दीन यासिन जी को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। किस कंट्री का? मलेशिया का। अभी तक ये मलेशिया के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, नाम है मुइद्दीन यासिन। इनको अपॉइंट किसने किया है? जो मलेशिया के किंग है, मलेशिया के राजा है, नाम है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। इससे पहले महाथिर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, किसके? मलेशिया के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मलेशिया आज का कंट्री ऑफ द डे है, तो आप मलेशिया की लोकेशन देख सकते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट में, एशियाई महाद्वीप में मलेशिया कहाँ पर लाई करता है। जो आपको रेड कलर का स्पॉट आपको नजर आ रहा है, ये आपका मलेशियन कंट्री है। ये दुनिया के नक्शे पर मलेशिया की लोकेशन यहां पर बनती है। मलेशिया क्या एक लॉकडाउन कंट्री है? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, मलेशिया एक लॉकडाउन कंट्री नहीं है। लॉकडाउन का मतलब यहां पर ये हो जाएगा,
सॉरी लॉकडाउन बार बार निकल के आ रहा है मेरे मुंह से, लैंड लॉक, यहाँ पर क्या है, लैंड लॉक रहेगा। लैंड लॉक का मतलब है चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो मलेशियन कंट्री है वो दो अलग अलग आइलैंड्स में डिवाइडेड है। मलेशियन जो कंट्री है वो दो अलग अलग आइलैंड्स में डिवाइडेड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, साउथ चाइना सी के दोनों ओर, ठीक है। इसकी राजधानी जो बनती है वो बनती है क्वालालंपुर, और रिंगिट यहाँ की करेंसी का नाम है। पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ये इसके पड़ोसी कंट्रीज यहाँ पर बनते हैं, और ब्रुनेई भी कंट्री यहाँ पर बनता है। मलेशिया से ना ही कर्क रेखा, ना ही मकर रेखा, और ना ही भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है। ये तीनों ही तीनों अक्षांश रेखाएं आपकी अफ्रीका के इकलौते कॉन्टिनेंट से आपकी गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा एक ही कॉन्टिनेंट से गुजरे। ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च के किस तारीख को आपका मनाया गया या आयोजित किया गया, तारीख याद रखने का प्रयास किएगा। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका मनाया गया था। 2020 की जो थीम बनती है वो बनती है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हियरिंग डे, और ये कब मनाया जाता है, तो ये भी आपका 3 मार्च को ही मनाया जाता है। और इसकी जो 2020 की थीम बनती है वो बनती है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। नोट कर लीजिएगा अगर आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। चलिए अब शुरुआत करते हैं 6 अप्रैल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। यहाँ तक सारी बातें क्लियर रही हो तो एक बार मुझे यस लेकर बता दीजिए कि यस सर यहाँ तक सारी बातें क्लियर रही हैं, सारी बातें समझ में आई हैं। लाइक करना बनता है, अगर अच्छा लग रहा हो, ये सेशन इंजॉय कर रहे हो, कुछ नया जानकारी आपको मिली हो तो लाइक कीजिएगा इस सेशन को अभी के अभी। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर आंसर कीजिएगा। एसबीआई के अलावा कौन से बैंक को सरकार के द्वारा पीएम केयर्स फंड के तहत धन संग्रह के लिए नामित किया गया है। मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, कल की क्लास में बताया था करंट अफेयर्स के, कि एसबीआई आपका फंड मैनेजर बैंक बनेगा। जितना भी पैसा प्रधानमंत्री केयर फंड में दान दिया जाएगा उसका जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार के द्वारा किस और बैंक को भी यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पर बनता है इंडियन ओवरसीज बैंक। सभी के सभी ऑप्शंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो हाल ही में इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक के साथ, ये तो आपको पता ही होगा। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर बनता है चेन्नई में। केनरा बैंक की बात करते हैं और बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर ऐसे याद रख सकते हैं, केनरा मतलब कर्नाटका, केनरा कर्नाटका, कर्नाटका यानी कि बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल बनती है बेंगलुरु, तो केनरा कर्नाटका, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, तो केनरा का हेडक्वार्टर बेंगलुरु बनता है। बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल है, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में बनेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, इस बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका चेन्नई में मौजूद है। तो अब याद कैसे करेंगे हेडक्वार्टर, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर भी चेन्नई है और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर भी चेन्नई है, तो इंडियन इंडियन, तो इंडियन मसाला डोसा हम लोग खाने जाएंगे चेन्नई, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, 3 स्पोर्टी रोबोट सामूहिक रूप से 19वें एशियाई खेलों के शुभकर के रूप में चुने गए हैं, इन तीनों शुभकरों में से कौन सा एक सही नहीं है। मतलब 3 स्पोर्टी रोबोट्स हैं, कलेक्टिवली आर सिलेक्टेड एज द मस्कॉट ऑफ 19 एशियन गेम्स, Which is not the name of one of their 3 mascot. यहाँ पर 3 mascot आपके चुने गए हैं जो कि 19th Asian Games आपके होने वाले हैं। बताना है कि 3 यहाँ पर तो सही ऑप्शन है, चौथा इसमें से सही ऑप्शन कौन सा नहीं है। बहुत आसान है इसको याद करना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शुरुआती जो शब्द है वही लास्ट का शब्द है, कोंग कोंग, तो ये है शुरुआती जो शब्द है लियान, और फिर लास्ट का जो शब्द है वो भी सेम है, यानी कि लियान लियान सही है। शुरुआती शब्द है चेन चेन, तो बिल्कुल सेम सेम नेम है आपके, कोंग कोंग, लियान लियान, चेन चेन, तो जो नाम आपस में मिलते मिलते हैं, आपस में बिल्कुल मिलजुल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, मैगडे नाम का जो नाम यहाँ पर दिया गया ये गलत है, कोंग कोंग, लियान लियान, चेन चेन बिल्कुल सिमिलर नेम है, मतलब आधा वर्ड दोनों बराबर है। इनको यहाँ पर 19 एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। 19 एशियाई खेलों का आयोजन किस कंट्री में किया जाएगा, एक बार टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन अवार्डेड द हीरो टू एनिमल्स अवार्ड बाय पेटा इंडिया, धर्मेंद्र प्रधान, ये कौन सा मंत्रालय संभालते हैं ये भी बताइएगा। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आपके बनते हैं। करेक्ट आंसर बनता है
लेकिन इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने आई है, वो है आपकी नवीन पटनायक जी की तस्वीर। और नवीन पटनायक जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बनते हैं आपके उड़ीसा राज्य के चीफ मिनिस्टर। एक बार उड़ीसा राज्य को भी यहाँ पर देख लेते हैं, राजधानी बनती है भुवनेश्वर। गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर बनते हैं, नवीन पटनायक जी जो कि बीजू जनता दल नामक राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हाईकोर्ट यहाँ पर कटक बनता है, उड़ीसी क्लासिकल डांस बनता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क यहीं पर मौजूद है, सिंपली पाल नेशनल पार्क यहीं पर मौजूद है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर मौजूद है, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर मौजूद है। मंदिरों की बात करें, लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा राज्य में ही आपका मौजूद है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भारतीय मूल की व्यूरोगिस्ट की हम लोग बात करते हैं, वीरोयोगिस्ट जिनको या यूं कहें कि वो वैज्ञानिक जो कि विषाणु विज्ञान में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनका नाम है गीता राम जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है और निधन हुआ है इनका COVID-19 के कारण। वह किस देश से संबंधित थी, काफी प्रसिद्ध थी, अब भारतीय मूल की थी लेकिन किस कंट्री की इन्होंने यहाँ पर नागरिकता ले रखी थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में तीन राजधानियों वाला आपका कॉन्सेप्ट चलता है, तो साउथ अफ्रीका की तीन राजधानियाँ कौन सी हैं, उनका नाम आपको मुझे वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है, जबकि साउथ अफ्रीका की जो करेंसी बनती है वो रैंड बनती है। अगला प्रश्न, 2021 के वर्ल्ड गेम्स हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर 2022, 2021 में होने वाले जो वर्ल्ड गेम्स थे उन्हें 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स का आयोजन होना है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में होने थे लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से उनको 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया है, और 2021 के वर्ल्ड गेम्स को 2022 के लिए यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया है। इनका आयोजन कहां होगा, इनका आयोजन ब्रिटेन के बर्मिंघम में इनका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके से है, धौलाधर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, धौलाधर नेशनल पार्क सिचुएटेड या लोकेटेड इन विच स्टेट, करेक्ट आंसर बनता है हिमाचल प्रदेश। गुजरात का फेमस नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पैंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार। इसके अलावा उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध है वो आपका बनता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसे स्थापित किया गया था 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से। अगला प्रश्न, फुटबॉल मैचों के लिए जाना जाने वाला बख्शी स्टेडियम किस शहर में स्थित है, द बख्शी स्टेडियम नोन फॉर फुटबॉल मैचेस इज बेस्ड इन विच सिटी, ये गुड़गांव में है जिसे आप गुरुग्राम कहते हैं, क्या ये आगरा में है, क्या यह गुवाहाटी में है, क्या यह श्रीनगर में है, या इनमें से कोई नहीं। बख्शी स्टेडियम फुटबॉल मैचेस के लिए आपका जाना जाता है और यह जम्मू एंड कश्मीर की जो आपकी समर कैपिटल बनती है, ग्रीस में राजधानी बनती है श्रीनगर, वहां पर मौजूद है, याद रखिएगा। सोनारी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा झारखंड स्टेट। झारखंड के जमशेदपुर एयरपोर्ट को ही सोनारी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व होता है, करेक्ट आंसर बनेगा 5 अप्रैल, और वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके यहां पर बताएंगे। चलिए, कल मैंने आपसे दो प्रश्न यहां पर पूछे थे, पहला प्रश्न ये था कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभिनव बिंद्रा जो कि एक जाने माने शूटर है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम यहां पर क्या बनता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां पर सही जवाब दिया है। अ शॉट एट हिस्ट्री ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर की एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में वहां पर गोल्ड मेडल जीतने वाले इकलौते व्यक्ति हैं भारत के जिन्होंने गोल्ड मेडल आज तक जीता है, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा, और भारत का 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, याद रखेगा। इसका सही जवाब साहिल गुलेरिया जी ने दिया है, विनोद अंबेडकर जी ने दिया है, संदीप गुप्ता जी ने दिया है, नेकी सरसरिया जी ने दिया है, इसके अलावा रोहित पांडे जी ने दिया है, सोनम सोनी जी ने दिया है, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया था और इनका नाम मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब इन दोनों क्वेश्चंस का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी है। इनको दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कहाँ पर, कॉमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कम्प्लीट हो जाने के बाद। कुछ ही समय के बाद 8 से 9 के बीच में आपको द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस भी देखने को मिलेगा, तो इस एनालिसिस को भी देखना ना भूलें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे यहां पर जुड़ना ना भूलें। यूट्यूब चैनल का नाम है अंकित गुप्ता जीके, फेसबुक पेज का नाम है जीके वेदर्स, टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित गुप्ता जीके। पसंद आया हो सेशन तो इसे लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।